व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम है रफ़ान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। तो आज भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरे हाथ में है दोस्तों SSD। अब SSD को मैंने दोस्तों अपने लैपटॉप में लगा चुका हूं और ये है दोस्तों लेनोवो का लैपटॉप कोर i5 4th जनरेशन वाला दोस्तों, जिसमें एनवीडिया का 2GB का ग्राफिक कार्ड दिया गया और 4GB रैम है। वैसे दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले दोस्तों HDD और SSD में कितना डिफरेंस आता है दोस्तों स्पीड का। सेम चीज़ दोस्तों सेम प्रोग्राम रन करके भी दिखाएंगे और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो चीज देखना है दोस्तों, तो वो भी देख सकते हैं और दोस्तों वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें दोस्तों आपको SSD लगाना चाहिए या अपना रैम बढ़ाना चाहिए, तो उस पर भी दोस्तों वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो जाके दोस्तों देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको दोस्तों PC करके एक दोस्तों फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर सारी वीडियो दी हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों PC रख दिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखता होगा हार्ड डिस्क और SSD। तो दोनों को सबसे पहले विंडोज़ ऑन करके दिखाते हैं कि कितना यहाँ पर दोस्तों टाइम लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पर SSD दोस्तों फटाक से हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये ओपन होने वाला और देखते हैं यहाँ कितने देर में हो जाता है दोस्तों। तो ये ओपन हो गया, 13 सेकंड में ओपन हुआ है दोस्तों, और दूसरा जो है HDD 17 सेकंड में हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों टाइमिंग जो है यहाँ पर 5 सेकंड का अलग फ़र्क है, लेकिन दोस्तों ऐप में जो है बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करके। तो क्रोम ब्राउज़र दोस्तों दोनों में हम आ गए हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया और क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 सेकंड लगा और SSD में हो गया, और यहाँ पर दोस्तों 6 सेकंड लगा तो क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिल्मोरा की। तो फिल्मोरा यहाँ पर हम ओपन कर दिए दोस्तों, और फिल्मोरा का केस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम दोस्तों जो HDD वाला है उसको हम फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाएंगे, और दोस्तों SSD वाला को नॉर्मल मोड में दिखाएंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, SSD का ओपन हो गया दोस्तों, 10 सेकंड में ये ओपन कर दिया यहाँ पर दोस्तों। लेकिन हार्ड डिस्क में आप देख रहे हैं जो HDD में है, जो अभी तक चल रहा है दोस्तों और कंटिन्यू ये चल रहा है, जो बहुत ही इरिटेटिंग टाइप का लगेगा दोस्तों आपको, इतना टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए ओपन हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट और 2 सेकंड लगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं एक दोस्तों वीडियो को हम रेंडर करेंगे जो 1 GB से ऊपर का फाइल है, जिसको दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी 1.3 या 1.2 GB का है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोनों में हम लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमको 1000 के स्पीड से जाना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने जल्दी कौन करता है कंप्लीट। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस चीज़ की कि SSD जो है बहुत ही जल्दी आपका जब एक्सपोर्ट करता है फाइल तो बहुत ही जल्दी करता है। वो इसलिए जल्दी एक्सपोर्ट करता है दोस्तों क्योंकि इसका रीड और राइट दोनों स्पीड दोस्तों नॉर्मल हार्ड डिस्क से 10 गुना ज़्यादा स्पीड होता है दोस्तों। तो इस वजह से ये एक्सपोर्ट भी करता है तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है, जैसे आप आपके सामने देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टाइमर वगैरह भी चल रहा है जो दोस्तों एकदम क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं है, चीटिंग वगैरह नहीं हो रहा है दोस्तों, जो है आपके आँखों के सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग दोस्तों कम्प्लीट होने वाला है, और दोस्तों हार्ड डिस्क को जो है हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉर्मेट में किए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग जो गुजर रहा है आपको पता चलता होगा दोस्तों। तो दोनों का आप सेकंड देख सकते हैं, एक का थोड़ा स्लो चल रहा है, एक का फास्ट चल रहा है। तो वो इसलिए दोस्तों कि वीडियो को सेम थिकनेस में कम कर ये करना है, इसीलिए हम उसका दोस्तों हार्ड डिस्क वाला का जो है टाइमिंग को बढ़ा दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और लगभग दोस्तों SSD वाला जो है कंप्लीट होने वाला है। तो SSD वाला जो है टाइम है दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये कितना ज़्यादा फास्ट हो रहा है और हमें अपने PC में ये चीज़ इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों टाइमिंग वगैरह में कितना ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पर जब आप फाइल एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे तो कितना ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलता है जो आपके आँखों के सामने। तो इस तरह का कुछ है दोस्तों हार्ड डिस्क वाला जो है HDD वाला, उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर किए हुए। तो ऐसे दोस्तों दोनों कम्प्लीट हो गया, SSD जो है 8 मिनट 23 सेकंड और दोस्तों HDD जो है दोस्तों 26 मिनट 9 सेकंड टाइम लिया है। तो आपके आँखों के सामने आप समझ गए होंगे किसका स्पीड वगैरह क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम एक फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फाइल मैनेजर टास्क मैनेजर में सॉरी आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे पहले आपको डिस्क दिखते होगा दोस्तों, डिस्क का आप देख लीजिए, उसके बाद मेमोरी जो हमारा दोस्तों रैम है, तो रैम आप देख लीजिए, उसके बाद CPU का थ्रॉटल देख लीजिए तो किस हिसाब से चल रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर दोस्त के हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर SSD लगा हुआ है 240 GB का, तो आप देख सकते हैं वो किस तरह से रेंडर हो रहा है और कितना ज़्यादा दोस्तों उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा आपको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पर आप दोस्तों परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं कि मतलब ये दोस्तों कोई लोड वगैरह यहाँ पर नहीं लेता है और बहुत इजी तरीके से और स्पीड में दोस्तों काम करता है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी इस SSD को यूज़ कर सकते हैं और अपने जो सिस्टम है दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट बना सकते इस ट्रिक से। तो आप लगा लीजिए दोस्तों SSD, वाकई में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर स्पीड देखने को मिलता है जो दोस्तों ज़बरदस्त। तो दोस्तों देखा आपने कि स्पीड किस तरह का दोस्तों बढ़ जाता है, कितना दोस्तों फ़र्क पड़ता है। तो आप भी SSD लगा सकते हैं दोस्तों, जितना रिक्वायरमेंट है आपका। इसका दोस्तों मुझे प्राइस पड़ा जो है 3000 रुपये दोस्तों। तो आप भी इसे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं और लगा सकते हैं और अपना दोस्तों प्रोग्राम को स्पीड रन करा सकते हैं, अपने दोस्तों लैपटॉप को फास्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल का सब्सक्राइब करिए, काफ़ी भारी है दोस्तों तो पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।